मथे संता करे आदि अंत मथे भरपूर सोई। तू ही जाहिरी शरीर नाही पर चेतन स्वरूप आई, हे सजन तू चेतन चेतन तत्व खां सवाए कुछ बियो कुछ भी नाही। उल्टो सत्य चित आनंद के सत्य न समझी पर पंचन तत्वन जे बनायल इन मिथ्या संसार जगत के सत्य समझी करे उनके प्रिय भाई थो। चंद्रमा सिज तारा ए बिया प्रकाश ॾींदड़ सभु हिकु चेतन स्वरूप जो ई चमत्कार आहिनि। स्वामी धरमदास जन चवनि था त भरम भोला दूर करे इहो ॼाण त आदि मध्य ऐं अंत में इहो ई सर्वव्यापी चेतन बराबरि समायल आहे। तुम यह दृश्यमान शरीर न होकर चेतन स्वरूप हो बंधु, तुम चेतन तत्व के सिवाय और कुछ भी नहीं हो। तुम भूल कर भी सत्य चित आनंद हो, असत्य समझ कर पांच तत्वों से बने इस शरीर और मिथ्या संसार को सत्य जानकर उससे प्रीत कर रहे हो। चंद्रमा सूर्य तारे और सारी प्रकाशमान वस्तुएं एक ही चेतन स्वरूप का जानकार है। स्वामी धर्मदास जी कहते हैं कि सभी भ्रम गलत धारणाएं दूर करो और जानो कि दृष्टि के आदि मध्य और अंत में वही सर्वव्यापी चेतन बराबर सौभाग्यमान है। रजा मनी सचे रब कहरी जहते हुकुम पये चले हैं सिष्ट सारी, देव देवतियां दे दरगाह सागर जहदा खोफ खाके देवन लहर भारी। चंद्र सूर्य के बिजली पवन तारे धरन अगन कर दे महाबलहारी। धरन दास आखे भज तुम भने उसने बिहुर मिले नहीं मानुष जन्म वाली। सर्वशक्तिमान जो सिमरन कयो परमात्मा के विधान साई सभी सृष्टि हली रही आए। देवियों देवता दरगाह ऐं सागर भारी लहरूं उन जे हुकुम जे अंदर आहिनि। चंद्रमा सूरज तारा हवा अग्नि ऐं हुन सर्वशक्तिमान जे आदेश में आहिनि। हे प्यारा स्वामी धरमदास चवनि था त तू बि हुन महाबलहारी ब्रह्म ऐं उन जे विधान जो मन ध्यानु कर, छो त मानुष जनम ॿीहर आसानीअ सां मिलण वारो न आहे। परमात्मा के विधान के सारी सृष्टि चल रही है। देवी देवतियाँ नदियाँ सागर की लहरें भी उनके हुक्म के अंदर है। चंद्रमा सूरज तारे हवा अग्नि और उस सर्वशक्तिमान के आदेश से कार्यरत हैं। स्वामी धर्मदास जी कहते हैं कि हे बंधु तुम उस सर्वशक्तिमान ब्रह्म और उसके विधान का मनन व ध्यान करो, क्योंकि यह मानुष जन्म बार बार मिलने वाला नहीं है। जाते दुर्लभ है जन्म मानुष आहे ज्ञान और नाम भंडार जुनी। जड़ अजड़ जुनी चौरासी लख माही वे सर्व में श्रेष्ठ सरदार सोई। देव देवतियां करे जास उपमा केवल ज्ञान बिना मरुड़ वक्र सोई। धरमदास जिसे ज्ञान नहीं पशु नीच ते नीच धर्म भार हुई। ही मिलन दुर्लभ मानुष जन्म ज्ञान है चेतन भंडार है। अनेक जीव तीव सूक्ष्म चेतना वाले चौरासी लख जीव सांस ई मानुष शरीर धारण करे कंगड़ जोड़ी ही सर्वश्रेष्ठ आए। जय जो देवियों ए देवता में सहारा कंदा आहिनि ऐं जस ॻाईंदा आहिनि। आत्मिक ज्ञान जे बिना हीअ उमिरि ईअं ई गुज़री थी वञे। स्वामी धरमदास जन चवनि था त आत्म ज्ञान बिना जीअण नीच ऐं पशु जे समान आहे ऐं अहिड़ो जीव धरतीअ ते अजायो बोझ आहे। यह दुर्लभ मानुष जन्म ज्ञान और चेतन का भंडार है। सभी स्थूल से लेकर सूक्ष्म चैतन्य वाले जीवों में 84 लाख जूनियों में से मानुष जूनी सर्वश्रेष्ठ है, जिसकी देवी देवता भी सराहना करते हैं और गौरव गीत गाते हैं। आत्मिक ज्ञान बिना यह जीवन नहीं बीता जा रहा है।
ऐसा व्यक्ति पृथ्वी पर बोझ है। साखी रैया सबे घट अंदर जोई जानता तेड़ी जान पोजी अखे देख रहा कने सुनता है जीवा जानती है चंद्र खान पोजी नास भास अतेसी पर स्खलनीय से जोड़ ज्ञान होते उसे ज्ञान लोगों की मन चित ते पद अहकार जुड़ी धरदास जानो अधिष्ठान पूजी साक्षात पार ब्रह्म हर प्राणी में समायल आहे इहो पैदे ज्ञान कोश में स्थित कर अखियों लिसन तुम कनल सामुदी जुधो ये बर चना स्वाद चक्र जंधा नक सिंहे धो ऐ चमड़ी छुए थी इन्हें सभी इंद्रियों जो ज्ञान सभी के तपा है पर अगते स्वामी धर्मदास ने जवन थाकर इंद्रियों मन चित्त बुद्धि अहंकार में उन साक्षात्कार परमात्मा जो निवास करे साक्षात परम ब्रह्म हर प्राणी में समायल हुआ है इस ज्ञान में निष्ठा करो आंखें देखती हैं कान सुनती हैं जीवा स्वाद चखती है नाक सुनती है चमड़ी छूती है इन इंद्रियों का ज्ञान सभी को है पर स्वामी धर्मदास